अध्यक्ष जीओ 58 वजाल वरक उम्मीदों फ्री अध्यक्ष जीओ 59 अभी मिंच उंटे चिन्नपाटी डब्बु तीसुकोनी 125 गजाल दाका అంతకు ముందే బుల్డోజర్లు పెట్టి కులగొట్టేది అధ్యక్ష పిల్లల గుర్చాలంటే బుల్డోజర్లు పోవడే కులగొట్టడే చాలా రాక్షసంగా ఉండేది. వాళ్ళ బాధ గమనించే మేము మొత్తం దరఖాస్తులు అడిగినాం తీసుకున్నాం. రాష్ట్రంలో 1,40,328 మంది సర్టిఫికేట్లు ఇచ్చినాం అధ్యక్ష. ఎక్కడున్నోనికి అక్కడనే జీవో 58 అండ్ 59 అక్బర్ సాహబ్ ఆ పూచరైతే उसके तहत 1,40,328 लोगों को हमने सर्टिफिकेट दिया. न उनसे कोई रुपया लिया, उनको बाजाब्ता ओनर बना दिया. दिए थे अच्छा मौका दिए. उसमें ज्यादातर इन एंड अराउंड हैदराबाद ही है, कुछ बाहर शहरों में वरंगल जैसे शहरों में जरूरत, लेकिन ज्यादा करीब करीब 1,00,000 यही दी. आज भी आप मांग कर रहे थे को कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं गरीब लोग. जब इतनी बड़ी रिवोल्यूशन आ रही है, धरणी पोर्टल आया, तो वही गरीबों का क्या होगा. ठीक है, मैं कैबिनेट में बात करता हूं इसके बारे में. एक चांस फिर एक बार देना चाहिए क्या? अगर ऐसा है तो जरूर ह्यूमन एंगल में हम सोचेंगे. डेफिनेटली फिर एक बार जीओ 58 जीओ 59 एक्सटेंड करके थोड़ा गरीबों का मदद करेंगे. गरीबों को मदद करने में हम कभी भी पीछे नहीं गए. इतनी बड़ी रिफॉर्म ला रहे तो गरीबों का भी कल्याण हो जाए, वो भी ओनर बने, मैं चाहता हूं दिल से. कुछ खुशी खबर उनको भी मिले तो फिर एक बार कैबिनेट में ले जाता हूं इस बात को, क्योंकि बड़ा पॉलिसी मैटर है. ले जाके पूरे कैबिनेट को एक्सप्लेन करके इंशाल्लाह मैं जरूर कोशिश करूंगा कि एक्सटेंड हो जाए, गरीबों का कुछ फायदा हो. तो कितने टाइम देना चाहिए, क्या टाइम देना चाहिए, वो थोड़ा कोरोना के हिसाब से भी काम करना पड़ता, तो वैसा हम लोग कर लेते हैं. अध्यक्ष बट्टी विक्रमार गार मित्रुलु, अकबर साहब का एक आउट पॉइंट है. डेफिनेशन नहीं है नॉन एग्रीकल्चर लैंड का, बोले डेफिनेशन है जो नॉन एग्रीकल्चर है, जो वो नॉन एग्रीकल्चर है. आरओएफआर एक्ट के जो बाहर है, जिनके पास पट्टेदार पासबुक नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाते. जैसा कि आबादी में है, म्यूनिसिपल में है, हमारे शहर में है, ये सारे ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियल लैंड है. इसके कैटेगरीज है, फुल्ली मेंशनड है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. किसी को कोई कंफ्यूजन होने की भी जरूरत नहीं है, जनता भी आवाम भी कोई कंफ्यूज नहीं होगा, उसके लिए हमें कोई चिंता का जरूरत नहीं. और एक बात बहुत अच्छी बात आपने कहा है, 100% विल टेक एक्शन. आई हैव ऑलरेडी रिक्वेस्ट द चीफ सेक्रेटरी ऑल्सो. ग्रीन जोन्स बनाने का डीला काम चल रहा था हमारे पास, जहां तक मैं समझता हूं, मैं जानता हूं एचएमडीए भी गलती हुआ. एचएमडीए के तहत रूरल इलाके में जो जिरायती होता है उसको ग्रीन जोन में बताया गया, ये ठीक बात नहीं है. अर्बन प्लानिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए. तो ग्रीन जोन डिक्लेयर होना चाहिए और 100% वहां कोई परमिशन नहीं देना चाहिए. दैट शुड रिमेन एज ए ग्रीन जोन, अदरवाइज वील फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द फ्यूचर. हमारे आगे के तबका और भी मुश्किल हो जाएंगे. इसीलिए 100% ग्रीन जोन डिक्लेयर करने में पूरी ताकत लगाएंगे. इंशाल्लाह जल्द से जल्द, नॉट ओनली इन एंड अराउंड हैदराबाद, वील ट्राई टू डिक्लेयर द ग्रीन जोन इन द एंटायर स्टेट. किस म्युनिसिपालिटी के पास कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तौर तरीका क्या है, पूरा मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं जल्द से जल्द इस पे एक्शन लिया जाएगा. ये बहुत ही अहम काम है, इंपॉर्टेंट काम भी है. ऐसे ही what is the basis for making entries in Dharani? Yes, it's a good doubt, very good doubt. अभी मैं कह रहा था, आप शायद बाहर थे, 1,25,58,000 लोगों को रैतु बंधु दिया गया, जहां कोई किस्म का गड़बड़ नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई तमाशा नहीं था. वो जो है अभी ऑटोमेटिकली उसमें ट्रांसफर हो जाएगा. किसान के जो खाते हैं, जिनके पास ऑलरेडी 57 लाख के ऊपर तो किसान है, जिनको पट्टादार पासबुक है, आज जो चल रहा है उस प्रकार का उसमें डाला दिया गया. और उनके बीचों बीच अगर कोई जमीन का एक्सटेंट का कोई झगड़ा है,
द बिगेस्ट आंसर विल कम फ्रॉम द सर्वे. सर्वे इज द ओनली आंसर, क्योंकि हर किसी के साथ अगर इंसाफ हो तो सर्वे ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता. 100% पीसमिल करो भी तो उसमें कोई मुकम्मल काम नहीं होगा. इसलिए मेरी गुजारिश है कि हम थोड़ी सी सबर से काम लें सर्वे तक, उसमें दूध का दूध पानी का पानी. इट विल बी वेरी क्लियर, इट विल मेक थिंग्स क्लियर देयर बाय द होल लिटिगेशन एंड्स. इसलिए उस तक हमको सबर करना ही पड़ेगा. ये भी बहुत अच्छा आपने मशवरा दिया है, कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम टू रेगुलराइज लैंड एंड लेआउट्स. जो अर्बन एरिया की बात कह रहे थे आप, इसका ऑलरेडी कोई LRS BRS का काम चल रहा है. BRS का जो मामला है वो हाईकोर्ट में फंसा हुआ है. चीफ जस्टिस हिसाब से हो सके तो मैं भी बात करता हूं, आवाम का मसला है तो उसको एक्सपीडाइटली हाईकोर्ट से निकलवाएंगे, उसके बाद कार्रवाई इस पर इन चीजों पर शुरू होगी. LRS का मेरे ख्याल से ऑलरेडी शुरू हुआ है, वो जारी है, वो चलता रहेगा, उसको भी एक बार खत्म करना चाहिए. ये भी आपने कहा है, व्हाट वुड बी द रोल ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड IG स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन. इसमें कोई तब्दीली नहीं है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपना काम करते रहेगा जो अब तक करता आया है. इतना ही है कि उनसे रेवेन्यू कोड हट गए, इतना ही है कि उनसे डिस्क्रिप्शन पावर हट गया. एवरीथिंग बाई सिस्टम ड्रिवेन होगा, प्रोसेस ड्रिवेन होगा, 100% ट्रांसपेरेंट होगा, 100% IT ड्रिवेन होगा. किसी के पास कोई डिस्क्रिप्शन पावर नहीं होगा जाके फिर ये रिश्वत को ये सब ना आ जाए. तो इसीलिए ऐसे काम करेंगे वो लोग तो वहां पर कैसे रहेगा. रजिस्ट्रेशन 141 सब रजिस्टर ऑफिसेस है, वो जैसे के वैसे जो मौजूदा है वो वैसे बरकरार रहेंगे. और वो टोटल नॉन एग्रीकल्चर का काम करेंगे, नॉन एग्रीकल्चर में ज्यादा रजिस्ट्रेशन होता है, इसलिए छोटे छोटे प्लाट ज्यादातर होते रहते हैं. जहां तक मैं जानता हूं करीब 20 लाख का रजिस्ट्रेशन हमारे पास होता है, उतना ही है ना, 16 लाख रजिस्ट्रेशन एक साल में होता है. लास्ट ईयर का एग्जैक्ट फिगर 16 लाख चिलर है, उसमें सिर्फ 4 लाख एग्रीकल्चर के है, बाकी 12 लाख नॉन एग्रीकल्चर के है. इसीलिए ये ज्यादा है, ये काम इनको सौंपा गया. ये लोग जिरायत में नहीं आएंगे. एग्रीकल्चर लैंड विल बी रजिस्टर्ड बाई दी MROs themselves बिकॉज म्यूटेशन उनको ही करना है. यहां पे म्यूटेशन का चक्कर ये है, इसमें एक बात आपने सुपर पुलिस बोल के भी एक आपने अमेंडमेंट दिया, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं वो वापस ले लीजिए. मैं आपको समझाता हूं बात, अभी वो बात ये है, किसान को या मकान वाले को भी थोड़ा प्रोटेक्शन होना चाहिए उसका राइट एस्टैब्लिश करने के लिए. सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही हो वहीं रुक जाए तो अच्छा नहीं है, हमने सोचा है. तो म्यूटेशन फीस भी कुछ लगा दिया उसमें थोड़ा सा, जो कि इन्होंने इनके नाम म्यूटेट हुआ वो एस्टैब्लिश हो तो कुछ रकम, मामूली सा रकम फीस रखो, एकड़ को इतना या गज को इतना, वहां के रेट डिक्लेयर करके. उसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा किसी को भी. और एक बात अच्छी बात ये भी मैं आपको कहता हूं, अभी काफी कुछ डिस्क्रिप्शन रिजर्व स्टार्स को है जो राज्य सरकार ने दिया है. वो चाहे तो इतने में कर सकता है, वो चाहे तो इतने में कर सकता है. बगल में क्या करते एक का रजिस्ट्रेशन है बंजारा हिल है अब हैदराबाद में, 42,000 है मेरे ख्याल से, 42,000 इज द हाइएस्ट स्लैब. किसी ने करा 1 लाख रुपए में 1.5 लाख रुपए में एक गज, तो ना रजिस्टर कैन से यू हैव टू रजिस्टर 1.5 लाख. आज ये डिस्क्रिप्शन है, कल के लिए पूरे रियासत में, आपको उर्दू में बल्कि मैं तेलुगु में बोलता हूं, पूरे रियासत में एक ही बार स्टैंप्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट विल डिक्लेयर द रेट्स. भाई शहर की मामला है तो गज का इतना पड़ाना एरिया, नो डिस्क्रिप्शन. ये देहात का मामला है, जिला क्षेत्र मंडल या कोई हाईवे के बगल जो सिस्टम है उसका, एक बार पर वंस पर ऑल द रेट्स विल बी डिक्लेयर्ड एंड नो डिस्क्रिप्शन पावर. कितने गज है, गज को इतना बस पेमेंट कर दो, रजिस्ट्रेशन कर दो, एकड़ कितने इतने रजिस्ट्रेशन कर दो, बस ये हो जाएगा. इसमें किसी को कोई डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा, किसी के साथ ना इंसाफ नहीं होगा और जल्द से जल्द काम हो जाएगा. इसलिए ये अपना काम करते रहेंगे नॉन एग्रीकल्चर के, दैट विल बी टोटली डिफेंड. एंड धरणी पोर्टल विल स्पीक टू धरणी पोर्टल एग्रीकल्चर, पूरे जिराज जमीन का उसमें डिटेल्स होगा. धरणी पोर्टल नॉन एग्रीकल्चर, वो नॉन एग्रीकल्चर में भी आज के समय में
हमारे पास 89 लाख के ऊपर प्रॉपर्टीज ऑनलाइन है, म्यूटेशन होके है, वो सारे के सारे जैसे के वैसे उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। बाकी जो नए रजिस्ट्रेशन होते जाएंगे वो जुड़ते जाएंगे, जो नए आते जाएंगे वो जुड़ते जाएंगे, अपडेट होते जाएंगे। तो इसमें कोई गफलत, इतना कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है।